अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल के राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के शासन प्रणाली को जब्ती कहते थे, तो भी करेक्ट होगा। 1580 से 1582 में मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली यानी दहसाला प्रणाली, एक भू राजस्व प्रणाली शुरू किया गया था। इस प्रणाली के तहत 10 साल की औसत उपज प्राप्त की जाती थी। इकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली सल्तनत की भूमि को इकता नामक कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था और इन इकता को सुल्तान के सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को सौंप दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घारी और चराई पशुओं के पर कर नामक कर लगवाया था।